ये है अजय की जमानत के कागजात, इन्हें देख लीजिए और अजय को रिहा कर दीजिए। सदानंद जी साहब, अजय साहब को बाहर ले आओ। अच्छा साहब। चेयरमैन साहब, कानून की मजबूरियां और फर्ज का मसला सामने आ जाता है, वरना क्या हम नहीं जानते कि शराफत कहां कहां बसती है। शुक्रिया। अंकल, उसे छुड़वा के आपने अच्छा नहीं किया। जिस दिन वो मेरे हाथ में आएगा, मैं उसे खत्म कर दूंगा। I will kill that bastard। तुम अभी बच्चे, जरा अकल से काम। सारे फैसले अगर बंदूकों और चाकुओं से होते तो दुनिया के आधे लोग मारे गए होते और बाकी आधे जेलों में होते। इंसान की कमजोरी और गुस्से को भी तो चाकू की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं कुछ समझा नहीं। अपना सलीम क्या कुल्हाड़ी में नहीं बदल गया? तुम ही बताओ, कुल्हाड़ी और सलीम में क्या फर्क है? अजय के लिए अब आप सलीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो बहुत गुस्से वाला है, वो गुस्से में गलती भी कर सकता है। उसके गुस्से का हम तभी इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास कुछ चारा नहीं होगा। शंकर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल? जहां तक मैं सोचता हूं, वो आदमी इस काम को बहुत खामोशी के साथ कर सकता है, समझे? इस बंदूक की गोली से सिर्फ अजय की मौत होनी चाहिए। और सुनो शंकर, यह काम आज रात को ही होना चाहिए। कल का सूरज अजय के लिए नहीं उगेगा। इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी? दो चार दिन और लेट आते। हाँ, दो चार दिन और लेट आते। काम जल्दी हो गया इसलिए जल्दी आ गया। इसलिए जल्दी आ गए। मगर आप हमसे मिले बगैर गए क्यों? हाँ, गए क्यों? गलती हो गई, माफ कर दो। हाँ बेटे, माफ कर दो ना। नहीं, हम आपको ऐसे माफ नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। योर ऑनर, माफी दिलवाई दियो। आपको, हम दोनों को बारी बारी इधर और इधर पपी देनी होगी। इतनी बड़ी सजा तुम्हारी माँ देती तो कितना अच्छा होता। आओ बेटे। जब हम लोग यहां आए थे तब मैंने ये पिस्तौल छिपा दी थी। तुम्हारी कसम, मैंने इसे कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की। मैं जानती हूं, इसलिए तो मैं खुद ये तुम्हारे पास लाई हूं। इसे अपने पास रखना हिफाजत के लिए।
आशा, इसका इस्तेमाल मैंने तुम्हारे और बच्चों के लिए छोड़ा था। मैं किसी की जान का दुश्मन नहीं हूं, इसलिए मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आशा, मुझे इसकी जरूरत नहीं। गीतू, गीतू, गीतू बेटे, चलो नाश्ता कर लो। नहीं, चलो ना दीदी, नहीं, प्लीज। देखो, देखो भाई जी भी बोल रहे हैं, तुम नहीं खाओगे ना तो भाई जी भी नहीं खाएंगे। चलो ना बेटे, प्लीज। गीता बेटे, गीता देख मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये देखो, 1, 2, 3। गीता बेटी, कम डार्लिंग, कम टू पापा। थैंक यू पापा, माय डार्लिंग, माय डार्लिंग, माय डार्लिंग, माय रॉकी, हमारे हर अड्डे का पता लगाने के लिए अजय ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। अब देख लीजिएगा, एक दिन उसके हाथ हम सबके गले पर होंगे। इससे पहले कि उसके हाथ हमारे गले तक पहुंचे, उसके पैर कब्र में होंगे। कब्र खोदेगा कौन? उसकी कब्र तो मैंने उसी दिन खोदनी शुरू कर दी थी जिस दिन उसने मुझसे दुश्मनी मोल ली थी। वाह सलीम वाह, तुम्हारी दोस्ती और दुश्मनी दोनों का जवाब नहीं। जिंदगी में मैंने दो ही चीजें कमाई हैं, दोस्ती या दुश्मनी। सलीम जहां दोस्ती में हंसते हुए जान दे सकता है, वहां बेदर्दी से दुश्मन की जान ले भी सकता है।
मैं जानता हूं हम दोनों के जिस्म पर ये निशान किसने बनाया है। मुझे माफ कर दीजिए। अजय अजय अजय, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं उस हरामजादे के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पागल मत बनो रॉकी, ये काम इतना आसान नहीं जितना तुम समझते। पहले अजय अकेला था, अब सलीम उसके साथ। इसलिए चंद दिनों के लिए हमें अपना कारोबार बंद करके गुमनामी के अंधेरे में खो जाना पड़ेगा, ताकि वो लोग समझे कि हम सब डर के भाग गए। उसके बाद दिवाली के दिन जब वो लोग जश्न मना रहे होंगे तो जश्न के जोश में हम उन्हें कफन पहना देंगे। सब जगह ढूंढा, सब ठिकाने छान मारे, हरामजादों का कहीं पता नहीं चला। लेकिन कब तक छुपे रहेंगे? ए नुरा, तू यहाँ क्या कर रही है? अस्पताल आई थी डॉक्टर से मिलने। क्यों, क्या हुआ? जरा सा पेट में दर्द हो रहा है। दिखा। कमाल दोस्त है तू, उसके पेट में दर्द है, तू हंसे जा रहा है। इधर आ। ए नुरा, इधर आना। आजा, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? हाँ। नुरा, इतना सीधा लड़का तुमने कहाँ से ढूंढा? हाँ, बहुत सीधा है, बिल्कुल रस्सी की तरह। फर्क सिर्फ इतना है कि रस्सी के बल दिखाई देते हैं, इसके छुपे हुए हैं। बल ही तो है ना, छल तो नहीं। सलीम चाचा के पेट में दर्द हो रहा है, जो पुड़िया आप मम्मी को देते हो इन्हें भी दे दो। नहीं बेटे, वो पुड़िया मम्मी के लिए, अगर अंकल को दे दी तो अंकल का दर्द बढ़ जाएगा। है? ये अंकल के लिए नहीं है, समझ गई? इधर टोटका शादी के बाद क्या उसे पहले नहीं समझ गए, गधा? अरे यार, शादी के बाद तो उसके पेट में दर्द होगा, क्या शादी से पहले मेरे पेट में दर्द नहीं हो सकता? अरे तेरे जाने के बाद मेरे कहाँ कहाँ दर्द होगा, तुझे क्या मालूम? अरे पेट में दर्द हो रहा ना? बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये लो करेले का जूस पी लो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हाँ, पी लो। अरे अभी ठीक पी लो, अगर उसे मालूम है टोटका मैंने दिया तो मेरा जीना हराम कर देगी। पी जा। डाली, एक गिलास और लाना, मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक गिलास लाना। आराम ठीक हो जाएगा। अरे तेरी आदि, तेरी आवाज, तेरी तो। अरे मैं तो मर गया। कल तुम्हें ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी? नाटक क्या? पेट में दर्द हो रहा था तो कह दिया। मुझे सब मालूम है, क्या दर्द है, किस चीज का दर्द है तुम्हें मालूम है? वो कैसे? अगर तुम्हें अजय भैया बता सकते हैं तो मुझे आशा भाभी नहीं बता सकती क्या? समझ गया। क्या हुआ? हाथ में दर्द हो रहा है। तो फायदा क्या? पेट में दर्द होना चाहिए ना। पापा, ये रही मेरी लिस्ट। पटाखे, फुलझड़ियां, उड़न तस्तरी, बड़े अनार, लगता है पूरा बाजार खरीदना पड़ेगा। राजकुमारी जी, आपकी लिस्ट? मैंने लिस्ट नहीं बनाई पापा। देखा, ये गई बिल्कुल भापे, इसको कुछ नहीं चाहिए। नहीं,
जो कुछ बॉबी के लिए लाओगे उसे डबल मेरे लिए लाना। गई माँ पे। आशा जी, इसे तो याद नहीं रहेगा, तो मेरे चश्मे के लिए। जी हाँ माँ जी, मैं आपके चश्मे के लिए कवर जरूर लाऊंगी। बेटा शाम को जल्दी आ जाना, पंडित जी आ रहे हैं पूजा के लिए, और फिर दिए भी तो जलाने हैं। जी पिताजी जल्दी लौट आएंगे, चलो। सुनिए, यहाँ से जो भी लेना था सब ले लिया ना? हाँ सब ले लिया, यहाँ तक अगर तुम्हारे पेट में दर्द उठा उसके लिए पुड़िया भी ले ली है मैंने। बेटे अब शहर जा ही रहे हो तो इसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, ये बार बार पेट में क्यों दर्द होता है? हाँ बेटे तुम्हारी माँ ठीक कहती है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देना। जी पिताजी शहर में तो डॉक्टर को दिखा दूंगा, मुझे डर है कहीं रास्ते में दर्द होगा। माँ कितनी अच्छी बहू मिली तुम्हें, सिवाय मुझे किसी को अपने दर्द के बारे में नहीं बताती। जी चलेंगे आप? हाँ चलिए चलते हैं माँ जी। अच्छा माँ जी। अरे आशा ये क्या क्या कर रही हो तुम, आज तो तुम एकदम गीता की तरह बिहेव कर रही हो। ये तो वक्त ही दर्द है, देखो तुम ज्यादती कर रही हो मुझसे, जल्दी उठ जाओ। मैं कहता हूँ लोग आ जाएंगे डार्लिंग, क्या सोचोगे? देखो जल्दी शहर पहुंचना है, बच्चों के लिए तुम्हें सामान लाना है, माँ के चश्मे के लिए केस खरीदना है तुम्हें, पिताजी ने कहा था जल्दी आना, घर में दिए जलाने हैं। आशा प्लीज देख, आशा तू बोलती क्यों नहीं? मैं कहता उठ जा डार्लिंग, प्लीज उठ जा। और मैं से ये तो वक्त है, ये तो आशा माय डार्लिंग। आशा 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 नहीं नहीं आशा, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती आशा, नहीं आशा, ये क्या हो गया भगवान, क्या हो गया? पापा बोले ना मम्मी को क्या हो गया पापा, पापा मम्मी क्यों नहीं बोलती पापा, पापा बोले ना मम्मी को क्या हो गया पापा, बोलो मम्मी, पापा पापा बोलो मम्मी क्यों नहीं बोलती हमसे, पापा बोले ना मम्मी को क्या हो गया, मम्मी बात करो हमसे, मम्मी बात करो, Thank you.
मेरा बॉस कहा है? जल्दी बोल नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। बोल हरामजादे, बोल। बता दूं, चेयरमैन, चेयरमैन, चेयरमैन।
बादशाह, इन हरामजादों से आज मैंने तेरे खून का बदला ले लिया है।